पैरामाउंट पिक्चर ने लास वेगास के होटल कैसर पैलेस में कोलोसियस के मंच पर ग्लेडियर पार्ट 2 का पहला ट्रेलर जारी किया है, जो प्राचीन रोम और उसके सभी शानदार वैभव के साथ फिर से दर्शाता है। हालांकि इसमें कुछ स्लॉट मशीनें भी हैं। डायरेक्टर रिडले स्कॉट उस दूर के युग को एक खूनी संस्करण पेश करते हैं, जिसमें माल मेस्कल एक रईस व्यक्ति के रूप में अखाड़े में प्रवेश करता है, जिसने अपने विशेष अधिकारों को त्याग दिया और खुद रोमन के लोगों के मनोरंजन के लिए जीवन मृत्यु के संघर्ष में पाता। स्कॉट ने सिनेमा मालिकों के साथ साझा करने के लिए सिन सिटी में जो फुटेज लाया था उसके आधार पर ग्लेडिएटर 2 पहली फिल्म के महाकाव्य फैला और चकनाचूर करने वाले एक्शन दृश्य को फिर से दर्शाता है। ट्रेलर में मेस्कल को हमलावर गैंडे खतरनाक बबून के झुंड और पेड्रो पास्कल के साथ साथ अपने सुडौल शरीर के लिए अन्य खतरों का सामना करते हुए देखा गया है। नौसेना कई बमबारी राजनीतिक साजिशें भी थी और शैतानी सम्राटों की एक जोड़ी जो पहले फिल्म की जोकिंग फिनिक्स के पागल सम्राट से भी ज्यादा पागल करती। ये कहानी 2000 ग्लेडिएटर की घटनाओं के कई दशक बाद की है, जिसका अंत मैक्सिमस की दुखद मौत के साथ हुआ था, जो खलनायक प्रोमोडस से लड़ते हुए मारा गया था। इस फिल्म में पेड्रो पास्कल ने मार्कस एक्रेडियस की भूमिका निभाई है, जो एक रोमन जनरल था। फिल्म का व्यापक बहुत ही शानदार होने वाला है, जो एक भव्य रूप दर्शाता है। ग्लेडिएटर 22 नवंबर 2024 को रिलीज होगी। ये फिल्म सन 2002 में आई ग्लेडिएटर का सीक्वल है।